फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 26 ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी, और आज का जो विषय होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस के बारे में जानने जा रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक सवाल है मॉड्यूल्स का, लेक्चर्स का, तो हमने प्रेस के बारे में बहुत कुछ जानकारी लिया है। नेशनल हेराल्ड किसने लिखा, बंगाल गजट किसने लिखा, नेशनल हेराल्ड नहीं बंगाल गजट किसने लिखा, इस तरह का बहुत सारे पेपर हम लोग देखे थे। ठीक है, गांधी जी भी लिखते थे, हरिजन वीकली मैगजीन, इंडियन मिरर हो गया, है ना, मृतबोल अखबार हो गया राजा राम मोहन रॉय का। तो आखिर जो भी प्रेस सिस्टम चल रहा था, जो भी हमारा जर्नल है, न्यूज़पेपर है, उसके लिए उस समय का जो ब्रिटिश है उसने क्या क्या भूमिका अदा किया, किस किस तरह का प्रेस का रूल्स और रेगुलेशन लेके आया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग। देखो सिलेबस देख ही रहे हो, करेक्ट। आगे देखो तो यहाँ देखते हैं जर्नी ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस का जर्नी देखते हैं। ये जर्नी जो स्टार्ट किया वो पोर्टुगीज़, सबसे पहले पोर्टुगीज़ ही लाया था। हम लोग पोर्टुगीज़ का जो मॉड्यूल है, जो लेक्चर, उसमें भी हम लोग देखे थे कि जो प्रेस का जो हिस्ट्री है भारत में, वो स्टार्ट हुआ पोर्टुगीज़ से, क्योंकि पोर्टुगीज़ ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया था। अच्छा, गोवा में किया कि बॉम्बे में किया? गोवा में, वेरी गुड, क्योंकि गोवा घर रहा है पोर्टुगीज़ का, समझे। तो गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया था 1557 में। और यदि मैं ब्रिटिश का बात करूँ तो ब्रिटिश ने प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे में डेवलप किया था, कब, 1684 को। तो यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि भारत में किसका साम्राज्य होने जा रहा है, ब्रिटिश का, ब्रिटिश ही कंट्रोल करेगा। हाँ, उसके बाद देखो अभी चल रहा है, अभी आराम से चल रहा है, प्रेस तो बना दिया ब्रिटिश ने बॉम्बे में 1684 को, तो अभी चलेगा, वो चलेगा। अभी अभी लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अभी इतना बड़ा कंट्रोल भी नहीं हुआ ब्रिटिश का। ब्रिटिश का कंट्रोल कब होगा, 1757 में, 1764 में, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 में। तो ब्रिटिश का तब ना कंट्रोल बढ़ेगा, तब जाकर ब्रिटिश को लेकर क्रिटिसिज्म होगा, उसके पॉलिसी को लेकर क्रिटिसिज्म होगा। तो जेम्स अगस्टस हिकी पब्लिश फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में जो पहला जो न्यूज़पेपर आया वो जेम्स अगस्टस हिकी हैं, ब्रिटिश कह सकते हो, बाहर के हैं। और इन्होंने लिखा था बंगाल गेजेट या फिर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, उसी का नाम है, समझे। तो बंगाल गेजेट 1780 में, 1780 में, मत देखो, और 1782 में इस प्रेस को कैप्चर कर लिया गया, सीज्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर था बंगाल गेजेट था, वो बहुत कुछ बोल रहा था, बहुत कुछ सरकार के विरोध में बोल रहा था, उसके अगेंस्ट बोल रहा था, क्रिटिसिज्म कर रहा था। अब इन लोगों, ब्रिटिश ऑफिशियल को डर था कि ये जो भी न्यूज़पेपर यहाँ भारत में निकल रहा है, यदि ये लंदन पहुँचेगा तो लंदन में पता चल जाए हमारा पोल पट्टी खुल जाएगा, यहाँ पे जो हम पकड़ के मिसडीड्स कर रहे हैं, निजामत, वो पता है ना तुम लोग को जो हो रहा था, डबल गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम था, रॉबर्ट क्लाइव सब इंट्रोड्यूस करके गया था, या उसके बाद भी देखो जिस हिसाब से सर्वेंट लोग अपना पावर का मिसयूज़ कर रहे थे, या अंग्रेज लोग जो इंडियंस को लेके कभी भी सीरियस ही नहीं रहे थे, गलत गलत काम कर रहे थे जमींदारी राइट्स में और भी बहुत सारी जगह पे, तो जितना ही पोल पट्टी है वो खुल जाता उसका, तो इसलिए क्या किया, बंद कर दिया उसको, सीज्ड कर दिया। और भी न्यूज़पेपर देख सकते हो उस समय जो बहुत ही फेमस हुआ है, बंगाल जर्नल हो गया, कलकत्ता गैजेट हो गया, कलकत्ता क्रॉनिकल हो गया, और वही बॉम्बे हेराल्ड हो गया, वही बॉम्बे हेराल्ड ही है, मद्रास कोरियर हो गया। तो वो यहाँ पे साफ साफ लिखा, कैटेगरिकली लिखा गया है विद्यार्थी लोग, कि जो कंपनी का जो ऑफिसर्स हो वो परेशान थे कि कहीं ये जो न्यूज़पेपर जो जितना छप रहा है आज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेके, यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल को लेके जो बूढ़ा बुरा छप रहा है, ये यदि लंदन पहुँच गया तो हमारा खैर नहीं, इसलिए, क्योंकि लंदन पहुँचेगा फिर डिबेट होगा वहाँ पर, फिर मुद्दा बहुत बड़ा बन जाएगा वो, तो इसलिए जो कंपनी के जो ऑफिसर्स सब हैं, सर्वेंट्स सब हैं, ये कर्व कर रहे थे प्रेस पे। ये स्टार्टिंग हम्बल बिगनिंग है, समझ गए ना स्टूडेंट। आगे देखो, हाँ, यहाँ से हम देखेंगे कि प्रेस को लेके क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस, क्या क्या चीज़ आया, क्या क्या एक्ट आया है। कंपनी, देखो कंपनी रूल के अंदर प्रेस एक्ट आया, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, उसका लाइसेंसिंग रेगुलेशन, फिर प्रेस एक्ट आया 1835 का, फिर लाइसेंसिंग एक्ट आया, और क्राउन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ देख सकते हो, करेक्ट। तो हर एक चीज़ को हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं विद्यार्थी लोग,
सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, लॉर्ड वालेसली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। हाँ बिल्कुल, आप, मैंने कहा है ना कि गवर्नर जनरल का नाम याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इवेंट से याद करो उनको, ज़्यादा याद रहेगा। 1799 में देखो बच्चे लोग, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, यानी कि सेंसरशिप समझते हो ना, पाबंदी लगाना कि यदि कुछ भी चीज़ हमको सही नहीं लगा तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आपके पेपर को, आपके पेपर को पब्लिश होने नहीं देंगे, डैट इज़ कॉल्ड सेंसरशिप, समझे। तो देखो, तो 1799 में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट पास हुआ। ये अलग बात है कि इस चीज़ को बाद में जाकर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने ख़त्म कर दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग क्या है, लिबरेटर ऑफ द प्रेस है, उसने प्रेस के बाद अच्छा किया है कि लोगों को बोलने का अधिकार दिया है। मां वालेसली ने क्या किया, वालेसली ने ऐसा प्रेस एक्ट बनाया जिसकी वजह से अब इतना आसान नहीं है कि कुछ भी आप न्यूज़ में लिख के आप छाप दो, समझे। हाँ, लॉर्ड वालेसली ने किया। अब बोलो किसको फर्स्ट टारगेट किसको किया था, एक्चुअल में टारगेट फ्रेंच को किया था कि फ्रेंच कुछ भी लिख रहा है पेपर में, भारत के पेपर में, आज जिसके वजह से एक प्रचार हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिश को हार्म हो रहा है, ये ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि फ्रेंच के लिए किया, इंडियंस में भी अप्लाई होगा ये चीज़, समझे। और हाँ, इम्पोज प्री सेंसरशिप, प्री सेंसरशिप का मतलब क्या कि जितने भी न्यूज़पेपर है सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट चेक करेगा, स्क्रूटनी करेगा पब्लिकेशन होने से पहले, यानी कि पब्लिश होने से, छपने से पहले ब्रिटिश देखेगा, हर एक चीज़ को पढ़ेगा, और यदि ब्रिटिश को कोई भी चीज़ ऑब्जेक्शनल लगा, उसके विरोध में लगा, तो बोलेगा कि इसको हटाओ, इस पर्टिकुलरली आर्टिकल को हटाओ, ये पर्टिकुलरली वर्ड को हटाओ, ये पर्टिकुलर फ्रेज को हटाओ, ये पर्टिकुलर सेंटेंस को हटाओ, डैट इज कॉल्ड प्री सेंसरशिप, समझ गए। यानी कहने का मतलब क्या, बोलने का आज़ादी खत्म, रिस्ट्रिक्शन। यदि हमको कहा जाए कि सर आपको इतना ही बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है, इसका मतलब क्या कि मेरा जो बोलने का अधिकार है वो छीन रहा है। तो प्री सेंसरशिप का मतलब ही है कि जितने भी न्यूज़पेपर छपेगा भारत में, ठीक है, जो भी ब्रिटिश इंडिया के अंदर आएगा, उस सबको स्क्रूटनी करेगा बिफोर द पब्लिकेशन। देखो अब यहाँ पे समझो, तो इसमें क्या क्या बोला, क्या क्या करना है, न्यूज़पेपर टू क्लियरली प्रिंट द नेम ऑफ द प्रिंटर का नाम क्या है। हाँ, प्रिंटर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रिंटर होगा ना, प्रिंटर का नाम कैटेगरी के लिए लिखना, एडिटर, जो एडिटर है जो लिख रहे हैं, और प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब क्या है, जो ओनर है उस प्रिंटिंग प्रेस के, ये तीनों का नाम कैटेगरी के लिए होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा क्या है कि पब्लिशर टू सबमिट ऑल मेटेरियल फॉर इमीडिएट डिपोर्टेशन, यानी कि जितने ही पब्लिशर्स जो लिख रहे हैं उसको सब मटेरियल देना होगा, दिखाना होगा, ठीक है। यदि गलत हो गया, यदि पता चल गया कि इसने कुछ कुछ गलत लिखा है, बात समझे ना, गलत लिखा है, ब्रिटिश के विरोध में लिखा है, तो एवरीथिंग विल बी सीज्ड, कहने का मतलब ये है, सबमिट ऑल मैटर फॉर इमीडिएट डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का मतलब क्या कि निकासित कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, वो सब चीज़ ले लिया जाएगा। 1807 में देखो, और अभी तो न्यूज़पेपर तक बात था ये, 1807 में इसको और, यानी कि 1799 का जो एक्ट है उसको और एक्सटेंड किया गया 1807 में। अब ये सेंसरशिप कहाँ, जर्नल्स में भी लगेगा, वही मैगजीन्स में भी लगेगा, अब पैम्पलेट में, पैम्पलेट बांटा जाता है ना उसमें भी लगेगा, और यहाँ तक बुक में भी लगेगा। तो कहने का मतलब क्या, एक्सटेंड कर दिया गया इसी चीज़ को, प्री सेंसरशिप और बढ़ा दिया गया, तो कह सकते हो जो लिखने का जो आज़ादी है कहीं ना कहीं ब्रिटिश छीन रहा है। और किस लिए ब्रिटिश वो कर रहा है, छीन रहा है, या ब्रिटिश किस लिए वो कर रहा है, इस तरह काम कर रहा है, इसलिए ताकि उसके विरोध में कोई लिख ना सके और ये बात लंदन में ना पहुंच सके, आया समझ में ना। तो याद रहना चाहिए, इसलिए कह सकते हो कि लॉर्ड वालेसली लिबरेटर तो बिल्कुल भी नहीं है प्रेस का, है ना, प्रेस को और कड़क बनाया इसने और उसमें सेंसरशिप वाला एलिमेंट डाला है। अब तुमको यहाँ से केवल वैल्यू एडिशन ही दिखेगा स्टूडेंट, देखो अब देखते हैं 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया। अब देखो सब में तुमको दिखेगा रिवोक रिवोक रिवोक, यानी कि एक लाया फिर बाद में कोई दूसरा कोई रिवोक कर दिया, उसको हटा दिया, जितने भी लोग रिवोक किए वो सब लिबरेटर ऑफ द प्रेस है, क्योंकि फिर आएंगे गवर्नर जनरल भी और कहेंगे कि नो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम लिखने का आज़ादी होना चाहिए, और देखते हो सोशल मीडिया में बोलने का आज़ादी है कि नहीं है। तो फिर तो दिस रेगुलेशन प्रूव्ड मोर स्ट्रिंजेंट देन अर्लियर रेगुलेशन, यानी पहले जो भी रेगुलेशन चल रहा था उसी कंपनी में ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, डेट्स कॉल लाइसेंसिंग रेगुलेशन। अब ये क्या है देखो, हाँ उस समय गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल वो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, वो परमानेंट नहीं थे, समझे ना, एक्टिंग गवर्नर जनरल थे वो, नाम क्या था, जॉन एडम्स, 1823। अब क्या किया गया कि एवरी प्रिंटर, एवरी पब्लिशर,
हैड टू ऑब्टेन ए लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग ए प्रेस और यूजिंग इट। यानी कि यदि आपको प्रेस शुरू करना है, यदि आपको प्रेस को यूज़ करना है न्यूज़पेपर छापने के लिए, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। डैट इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग एक्ट। तो नहीं, आपको लाइसेंस लेना होगा, नंबर वन। हाँ, यदि कोई भी प्रिंट कर रहा है बिना लाइसेंस उपलब्ध किए हुए, तो उसको पैनल ऑफेंस लगेगा स्टूडेंट। ये पैनल ऑफेंस यानी कि कार्रवाई होगा उसके ऊपर, दोषी पाया गया वो। यानी कि बिना लाइसेंस का कोई भी आदमी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित नहीं कर सकता है, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छाप नहीं सकता है। उसके लिए क्या करना जरूरी होगा, लाइसेंस लेना जरूरी होगा। और इतना ही नहीं विद्यार्थी लोग, देखो यही चीज़, देखो अगेंस्ट बुक्स जर्नल्स एंड पैम्पलेट्स एंड मेनली अगेंस्ट इंडियन न्यूज़पेपर, देख रहे हो ना। तो ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन है, स्पेशली टारगेट किया है किसको, हमारे इंडियन न्यूज़पेपर सबको, इंडियन बुक्स सबको। और देखो क्या हुआ, इसका फलस्वरूप ये हो गया, जो हमारा महान, हमारे जो महान व्यक्तित्व है राजा राम मोहन रॉय, इनको भी अपना पब्लिकेशन रोकना पड़ा था, मिरात उल अखबार। बताओ, बताए थे ना, मिरात उल अखबार इनका ही है। हाँ ठीक है, तो मिरात उल अखबार, अच्छा अखबार होना चाहिए था, हाँ अखबार ही है एक्चुअली वो, मिरात उल अखबार बंद करना पड़ा था इनको। हाँ, सुनने में अखबार भी पढ़ोगे तो लग जाएगा, वो अखबार है वो एक्चुअली, समझे विद्यार्थी लोग। तो राजा राम मोहन रॉय टाइप के रिफॉर्मर को भी अपना जो पेपर है उसको बंद करना पड़ा, अपना न्यूज़पेपर को भी बंद करना पड़ा। तो कोई पूछ सकता है तुमको कि ऐसा कौन सा रेगुलेशन एक्ट था या कौन सा प्रेस एक्ट था जिसके वजह से राजा राम मोहन रॉय को अपना सबसे फर्स्ट जो न्यूज़पेपर है मिरात उल अखबार उसको बंद करना पड़ा था। तो वह है लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 का, जो कि जॉन एडम्स उस समय लाए थे। हाँ, इसी चीज़ को जो रिबिल्ड किया बाद में, जो ख़त्म किया है, वो और कोई नहीं, लॉर्ड मेटकैफ। लॉर्ड मेटकैफ ने इस चीज़ को हटा दिया। आ रहा है समझ में ना। हाँ, अब देखो, तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा है, देखो 1835 तो लॉर्ड मेटकैफ लेके आए उसको, ठीक है, उसी के कंटिन्यूशन पर लॉर्ड मेटकैफ लेके आए। इन्होंने क्या किया, जो 1823 में जो जॉन एडम्स लेके आया था ना, उसका जो ऑब्नॉक्सियस जो चीज़ सब था, यानी कि जो बेकार का जो चीज़ जिसके वजह से न्यूज़पेपर बंद हो रहा था भारत में, भारत का न्यूज़पेपर को छपने नहीं दे रहा था, वो सब चीज़ ख़त्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थी लोग, बड़ा ही लिबरल पॉलिसी था इनका, ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे कम से कम प्रेस को लेके, इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, कि इंडियन प्रेस के ऊपर जो इतना हावी रिस्ट्रिक्शन था उसको इन्होंने क्या किया, लिबरेट कर दिया, इन्होंने हटा दिया। तो कोई पूछेगा तुमको कि कौन व्यक्तित्व है गवर्नर जनरल जिसको लिबरेटर ऑफ द प्रेस भी कहा जाता है, तो वो और कोई नहीं, लॉर्ड मेटकैफ 1835। अब देखो इसमें क्या करना है, बट हाँ रूल्स और रेगुलेशन तो रहेगा, बहुत सारा चीज़ उसका हटा दिया गया, जो ऑब्नॉक्सियस जो उसमें जो स्टेप्स थे उसमें जो भी था जिसके वजह से न्यूज़पेपर को दिक्कत हो रहा था, तो वो हटा दिया गया। हाँ, जो प्रिंटर हो या पब्लिशर हो, या प्रिंटर हो या जो पब्लिशर है जो छाप रहा है, उसको प्रिसाइज देना है इन्फॉर्मेशन कि वो छप कहाँ रहा है, प्रिमाइस ऑफ पब्लिकेशन, प्रिमाइस ऑफ पब्लिकेशन के आसपास का जो एरिया है। जैसे जानते हो ना कि बहुत सारा, जैसे पटना में छपता है अभी, कलकत्ता में छपता है, जैसे हिंदू न्यूज़पेपर, देखो हिंदू न्यूज़पेपर देखो पटना से आता है, पूरा बिहार में पटना से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब पटना में कौन सा वाला छपता है, दिल्ली में जो छपता है वही पटना में भी छपता है हिंदू न्यूज़पेपर, तो प्रिमाइस पता चल गया ना कि पटना में किस जगह छपता है, वही प्रिमाइस ऑफ पब्लिकेशन, ये आपको देना पड़ेगा। और दूसरी बात है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वाला चीज़ करना पड़ेगा आपको, जो पहले भी करना पड़ रहा था, और आपको प्रिमाइस बताना है। हाँ, मैं ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है। अब बाद में देखो क्या हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट आया 1867 में, जो कि रिप्लेस कर दिया इसको। तो कहने का मतलब क्या, कि फिर गवर्नर जनरल आएंगे जो चाहेंगे कि नो कहे इंडियन प्रेस को इतना फ्रीडम मिले, फिर वो क्या करेंगे, लगाम लगा देंगे। तो तुमको दिखेगा कि किसने क्या किया, कि पहले वाला चीज़ को हटा दिया, लिबरल बना दिया, और फिर तुमको दिखेगा कि जो लिबरल बनाया फिर उस चीज़ को फिर क्या कर दिया, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। तो वही तुमको यहाँ पे दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 आया, जो कि इतना अच्छा लॉर्ड मेटकैफ का जो इनिशिएटिव था उसको फिर से रिप्लेस कर दिया, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। हाँ, यहाँ देखो विद्यार्थी लोग, अब लाइसेंसिंग एक्ट 1857, अब तुम देखते जाओ क्या क्या हुआ। एमरजेंसी कॉज बाय रिवोल्ट ऑफ 1857 लेट द गवर्नमेंट टू री इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस। देखो लॉर्ड मेटकैफ ने तो बहुत अच्छा किया कि हटा दिया बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन,
मगर 1857 विद्रोह का समय है, सही बात है ना, 1857 का जो रिवोल्ट तुम लोग जानते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया प्रेस के ऊपर। तो उसके लिए देखो वही लाइसेंसिंग एक्ट लेके आया 1857 में, करेक्ट बच्चे लोग, 1852 बात कहा है, ठीक है, 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया। इसमें लाइसेंसिंग इम्पोज किया गया, क्या है इसका मतलब, देखो समझो बात को। द एक्ट री इंट्रोड्यूस लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन इन एडिशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लेड बाय द मेडकैप एक्ट। मेडकैप एक्ट में क्या बोला गया था, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऊपर जाकर देखो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और प्रिमाइस ऑफ पब्लिकेशन होना चाहिए, वो चीज़ तो रहेगा ही रहेगा। साथ साथ अब आपको क्या करना होगा, हाँ, और भी रिस्ट्रिक्शन होगा, लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी कि लाइसेंस इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है प्रिंटर और पब्लिशर्स को। जो भी मेडकैप ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे वो तो कैरी होगा ही होगा, साथ साथ लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन रहेगा, इतना आसान नहीं होगा लाइसेंस मिलना। हाँ, ये देखो जो रेड कलर में दिया गया वो सबसे खतरनाक चीज़ है, गवर्नमेंट रिजर्व द डिस्क्रेशनरी राइट टू ग्रांट लाइसेंस और रिवोक देम एट एनी टाइम। बताओ, सरकार को पूरा अधिकार है कि सरकार कभी भी लाइसेंस दे सकती है, कभी भी लाइसेंस दे सकती है उसके लिए। जैसे मान लो कि कोई आवेदन दिया है कि सर हमको प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश करना है और 2 साल से पड़ा हुआ लाइन में, तो कभी भी वो दे सकता है उसको आके कि चलो ठीक है हम तुमको ओके करते जाओ छापो, कभी भी दे सकता है और कभी भी रिवोक कर सकता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, रिवोक करने का मतलब कि कभी भी छीन सकता है वो अधिकार आपसे। आज जैसे ही रिवोक कर दिया तो आप फिर प्रेस से आप रिलीज नहीं कर सकते हो पेपर, तो कितना बड़ा डिस्क्रिशनरी पावर मिल गया। क्योंकि देखो समझो बात को, 1857 का समय है ये, 1857 में क्या हो जाएगा, तो हर समय विद्रोह होगा ऊपर नॉर्थ इंडिया में, और न्यूज़पेपर तो और बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम करेगा वो। तो इसलिए जैसे लगा कि भाई इसमें ऑब्नॉक्सियस चीज़ है, इसमें कुछ ब्रिटिश का अगेंस्ट बोला है, इसमें कोऑर्डिनेशन कर रहा है इंडियंस लोग, वो तुरंत बंद कर देगा। फिर देखेगा कुछ पेपर बोलेगा चलो ठीक है इसमें कुछ नहीं है, चलो ओके स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का चीज़ लेके आया। हाँ, राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ एनी बुक न्यूज़पेपर और प्रिंट में, यानी कि राइट टू स्टॉप, बंद करो, समझे ना, बंद करो, कोई भी बुक सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर सर्कुलेट की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि देखो ये समय क्या है, कोऑर्डिनेशन का समय, 1857 का रिवोल्ट है, उसको रोकने के लिए ब्रिटिश ने क्या बोला कि हमको पूरा अधिकार है कि हम रोक देंगे, हमको पूरा अधिकार, यानी कि वी हैव राइट टू स्टॉप योर पब्लिकेशन, और जो भी किताब सर्कुलेट हो रहा है जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस जग रहा है इंडियंस के बीच में, वो सबको रोक देंगे हम। तो कह सकते हो कि बहुत ड्रकोनियन चीज़ है ये, हमारा कम्युनिकेशन होने नहीं देगा ये। होप सो समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, यस वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। ना कंपनी रूल के अंदर क्या क्या हुआ, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लॉर्ड वेलेस्ली, एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स 1823 में, है ना, प्रेस एक्ट 1800 लॉर्ड मेडकैप, और 1857 में जानते ही हो तुम लोग कि दलाउजी होंगे, दलाउजी के बाद कौन आएगा, लॉर्ड कैनिंग आएंगे। अब देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंदर, देखो बिल्कुल ये तुमको याद होना चाहिए। तो लॉर्ड मेडकैप जो लेके आए थे 1835 में, उसको रिप्लेस किया था 1867 में रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब देखो ये सब खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। अब यहाँ क्योंकि देखो आप सरकार किसका है, क्राउन का है, क्वीन प्रोक्लेमेशन हो चुका है 1858 का, सही बात है ना। अब यहाँ पे देखो, अब रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, अब इसमें क्या, एवरी पब्लिकेशन, जितना ही पब्लिकेशन होगा न्यूज़पेपर जो भी है, जितना भी छपेगा, सबसे पहले आपको प्रिंटर और पब्लिशर का नाम देना है, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन वही प्रिमाइसेस ऑफ पब्लिकेशन ये भी देना है। दूसरी बात है देखो, विद इन 1 मंथ, जैसे मान लो कि आज पेपर हमने छाप दिया, आज हमने पेपर छाप दिया, तो एक कॉपी टू बी सबमिटेड टू द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि विद इन 1 मंथ, एक मंथ के अंदर हमको लोकल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा ना उसको कॉपी सौंपना है, ताकि हो सकता है वो देखे। जैसे आज पेपर हमने छाप दिया, जैसे लेट से आज तारीख जो भी हो रहा है XYZ, आज हमने पेपर छाप दिया, एक महीना के अंदर हमको लोकल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश का लोकल गवर्नमेंट है उसको सबमिट करना है अपना, ताकि वो देखे, चेक करे, और वो पाया, दोषी पाया तो बंद करवा देगा फिर, समझ गए ना। तो यस विद इन 1 मंथ के अंदर, जैसे आज छापे तो हम कल भी दे सकते हैं, एक महीना के अंदर, 30 दिन के अंदर हमको जो भी छापे वो बताना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट को। ह्यूज रिस्ट्रिक्शन ना, इसका मतलब ऐसे नहीं छाप सकते हो आप, क्योंकि कुछ भी चीज़ छापेगा तो आपको वो एक मंथ के अंदर आपको लोकल गवर्नमेंट को देना है वो चीज़, तब तो निगरानी बहुत तगड़ा रहने वाला है पेपर में। आगे देखो, अब आया लॉर्ड लिट्टन, यही लॉर्ड लिट्टन जिसने सिविल सर्विस 19 साल कर दिया था मैक्सिमम एज, याद है ना। हाँ,
अब देखो ये आदमी कितना गंदा आदमी है, इसने क्या क्या नहीं किया, देखो सोचो। अब देखो बाबू यहाँ पे चल रहा है यूरोपियन प्रेस, यूरोपियन प्रेस भी चल ही रहा था, वही कह सकते जो इंग्लिश लैंग्वेज में निकलता है, वो तो हमेशा ब्रिटिश को ही सपोर्ट करेगा। जो ब्रिटिशर जो प्रिंटर यहाँ पे होगा और जो ब्रिटिश लैंग्वेज होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, वो तो हमेशा ब्रिटिश कॉज के लिए ही सपोर्ट करेगा। बट जो हमारा जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज होगा, जो हमारा लोकल लैंग्वेज होगा, मराठी हुआ, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, वो तो ब्रिटिश को सपोर्ट करने नहीं जा रहा है, वो तो ब्रिटिश को क्रिटिसाइज़ करेगा। तो इसलिए कह सकते हो कि जो वर्नाकुलर प्रेस से जो न्यूज़पेपर निकलेगा, यानी कि लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर निकलेगा, और जो यूरोपियन प्रेस से जो लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर निकलेगा इंग्लिश, ये दोनों के बीच में तुमको बहुत बड़ा डिबेट दिखेगा। वो पूरा ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा यूरोपियन प्रेस, और इंडियन कॉज को सपोर्ट करने वाला कौन होगा, वर्नाकुलर प्रेस होगा। देखो दोनों के बीच में डिबेट होगा ना स्टूडेंट्स, तो तुमको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा कंट्रोल करेगा ब्रिटिश, सेकेंड वन वर्नाकुलर प्रेस को, इस चीज़ तुमको यहाँ पे दिखेगा। देखो तो ये बोला कि यूरोपियन प्रेस जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, कोई भी यदि मान लो कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तो खैर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बोलेंगे, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ही सपोर्ट करेगा, पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेगा। हाँ बट वर्नाकुलर प्रेस हमेशा सरकार को लेकर वोकली रहेगा, क्रिटिकली रहेगा कि देखो सरकार उल्टा पुल्टा काम कर रही है। इनफैक्ट देखो वर्नाकुलर प्रेस ने क्या क्या नहीं लिखा है, जिस तरह का इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड था लिटन का, उसके बारे में लिखा। और दूसरी बात है कि देखो इतना फेमिन आ रहा था विद्यार्थी लोग, 1876 से लेकर 70 इतना भयानक फेमिन आया था भारत में, सूखा अकाल पड़ गया, अनाज कुछ भी नहीं था, ठीक है। और उस समय लॉर्ड लिटन थे, बताओ वही ब्रिटिशर्स लोग, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दैट्स इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब क्या, कोई फर्क ही नहीं, कोई मर रहा है, कोई खाने के लिए तरस रहा है। याद करो चर्चिल, विंस्टन चर्चिल भी 1747 के आसपास वही था वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, इतने बंगाल में लोग मरे, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और सब खाना वो तो सैनिक के लिए तैयार कर रहा था बंगाल से खाना, और लोग बंगाल के लोग खाना के लिए तरस रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि वो दे आर वेरी इंडिफरेंट, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, समझे ना। देखो वही बोला कि ब्रिटिश कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये सब चीज़ लिखा जा रहा था। और दूसरी बात है कि दिल्ली दरबार हुआ था बच्चे लोग, दिल्ली दरबार का मतलब है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल कि इंग्लैंड से कोई राजा यहाँ पे आया है, इंग्लैंड में मान लो कि ताजपोशी हुआ, इंग्लैंड में होता है ना क्वीन बना कोई, प्रिंस बना कोई, किंग बना कोई, अभी भी चलता है ना वहाँ पे मोनार्की वाला सिस्टम, तो वहाँ पे यदि ताजपोशी हुआ तो ये लोग फिर अब भारत में आएगा तो भारत में इसको वेलकम किया जाएगा, उसके लिए दरबार लगता था। तो दिल्ली दरबार, बताओ दिल्ली दरबार में हमारे निकम्मे प्रिंसली स्टेट के जो रूलर सब है, वो बताओ जनता उसका मर रहा है फेमिन से, जनता त्रासदी में, उसे कोई मतलब नहीं है, जाके देख रहे हैं कि बाहर से प्रिंस आया है, बाहर से किंग आया है, बात समझे। यहाँ का स्थिति छोड़, यहाँ का स्थिति पे कोई ध्यान ही नहीं है, और लैविश एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इन लोगों को खुश करने के लिए कि बाहर से अतिथि आए हैं, भाई इसको थोड़ा देख लें, समझ रहे हो ना, वेरी वेरी नेगेटिव। सोचो कि जनता यहाँ का मर रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और वहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है, ये सब चीज़ दिखा जा रहा था, समझे, ये सब देखो। तो अब ये लोग क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, ये लॉर्ड लिटन लाया था, गवर्नर जनरल था ये। और इसमें क्या कि जितने ही वर्नाकुलर प्रेस उस पर कंट्रोल, फुल कंट्रोल, एंड पनिश एंड रिप्रेस सेडिशियस राइटिंग, यानी कोई भी सेडिशियस राइटिंग समझते हो ना, यही बाद में जाके सेडिशन एक्ट बना है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जिसको कहते हैं। इसमें कहा गया कि जो भी सेडिशियस राइटिंग लिख रहा है, यानी कि ऐसा कोई भी लिखावटी जिसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट विद्रोह हो सकता है, ऐसे राइटिंग को पूरी तरीके से सप्रेस किया कर दिया जाएगा, इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था स्टूडेंट। अब देखो समझ गए ना, बात समझ में आ रहा है सभी चीज़। अब मैं तुमको बताता हूँ इसका अंदर का फीचर्स क्या था, कि क्यों इसको हम गेजिंग एक्ट भी कह सकते। देखो गेजिंग एक्ट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटेड एक्ट। देखो फिगर देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन लेके आया था, इसको हम गेजिंग एक्ट भी कहते हैं। गेजिंग एक्ट का मतलब एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। क्यों बताओ, यूरोपियन प्रेस कुछ भी कर सकता है, समझा, यूरोपियन प्रेस कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी पब्लिश कर सकता है, और जो हमारा इंडियन प्रेस है, हमारा जो वर्नाकुलर प्रेस है, उसके ऊपर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, इसलिए गेजिंग एक्ट। हाँ इसलिए हम कह सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, गेजिंग एक्ट है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है यूरोपियन प्रेस वर्सेस वर्नाकुलर प्रेस के बीच में। एंड नो राइट टू अपील, यदि मान लो कि आपको पकड़ भी लिया, पुलिस प्रशासन आके पकड़ भी लिया जो भी है, तो आप किसी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हो। तो पहले तो इसका फीचर समझो, देखो साइड में
इसमें क्या ऐसा फीचर था कि इसको हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसा क्या इसके अंदर है कि जिसको जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि गेजिंग एक्ट है। तो यहाँ समझो विद्यार्थी लोग, लॉर्ड लिटन बनाया है इसको, सही बात है। जो उस समय के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो क्या करेंगे, जितने भी प्रिंटर हैं और जो भी पब्लिशर है, प्रिंटर और पब्लिशर समझ रहे हो ना, जो छाप रहा है पेपर को, न्यूज़पेपर को, उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनेगा यानी गवर्नमेंट के बिहाफ में डीएम रिप्रेजेंट किए, और बॉन्ड बनेगा प्रिंटर वही पब्लिशर और सरकार के बीच में बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड में क्या होगा, देखो कि ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं लिखना है जिसके वजह से सरकार के अगेंस्ट डिसएफेक्शन आए, सरकार के अगेंस्ट बैड फीलिंग्स आए लोग के बीच में, और दूसरा कि एंटीपैथी हो यानी कि लोगों के बीच में विद्रोह का काम करे। सरकार के विरोध भी नहीं लिखना है और लोगों के बीच में कोई विद्रोह हो जाए ये चीज़ भी नहीं लिखना है, क्योंकि फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जाएगा, समझे। अभी यदि ए बॉन्ड है, बॉन्ड साइन है किसके बीच में, सरकार और पब्लिशर के बीच में, यदि मान लो कि एक बार वायलेट हो गया कि ऐसा आप लिख दिए जिसकी वजह से ये सब चीज़ हो गया, तो बस जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है ना, प्रिंटर प्रिंटिंग हाउस बनाना है, पब्लिशर बनना है, न्यूज़पेपर छापना है, तो यू हैव टू सबमिट सम मनी ऑल्सो, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर लिया जाएगा, फोर्टिफाइड कर लिया जाएगा पहला स्टेज में। यदि फिर से बॉन्ड को वायलेट किया गया, बॉन्ड वायलेट करने का मतलब क्या है, फिर से उस तरह का चीज़ लिख दिया गया, तो जो भी प्रेस इक्विपमेंट है, जो भी सामान है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको सीज कर लिया जाएगा। कितना डेडली है ये, इसका मतलब इंडियन सब कुछ भी नहीं लिख सकता अब वर्नाकुलर, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि इंग्लिश तो हम लोग पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं, और हिंदी बंगाली उंगाली तो हम लोग को बुझने आएगा नहीं जो बात, तो ये लोग बंगाली में मराठी में लिख के खूब लोगों के बीच में फैला रहा है। याद करो चापेकर ब्रदर्स का क्या हुआ था, बीजी तिलक क्या लिखे थे, याद है सभी चीज़ यहाँ पे देखो। और गजब बात है कि मजिस्ट्रेट का जो एक्शन होगा, डीएम का जो एक्शन होगा वो फाइनल होगा, बताओ कोई भी कोर्ट ऑफ अपील में नहीं जा सकता ये, नो नो अपील कुड बी मेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि डीएम ने यदि पूरा इक्विपमेंट ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, उठा लिया, कैप्चर कर लिया, तो कोई कोर्ट नहीं है वहाँ पे देखने वाला कि डीएम ने सही किया या गलत किया है, बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थी लोग, ये तो बहुत ही काला वाला ये एक्ट है, ये बहुत ही खराब एक्ट है ये, तो हमारे जो इंडियन प्रेस होगा उसके ऊपर कितना भयानक कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि देर इज अ नो वे ऑफ अपील। यदि डीएम ने जब्त किया है तो उसको लेके हम उसके खिलाफ में कहीं किसी कोर्ट में जा भी नहीं सकते हैं, तो कितना भयानक, कितना रिस्ट्रिक्टिव वाला ये एक्ट है, सोचो। हाँ ये अलग बात है कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का जो भी न्यूज, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से एग्जेम्पशन मिल सकता है किसी भी न्यूज़पेपर को, यदि कोई भी चीज़ आपने वैसा लिखा वो आप जाके दिखा दो कि चलो हम इसको हटा रहे हैं, आई नॉट प्रिंट, देन यू कैन गेट एग्जेम्पशन। सही बात है, क्योंकि ब्रिटिश का उद्देश्य तो यही है ना कि आप ऐसा कुछ मत लिखो, बात समझ में आ रहा है ना। तो वो देखो वही लिखा गया कि ए वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कुड गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट बाय सबमिटिंग प्रूफ्स टू द गवर्नमेंट सेंसर। ठीक है, आप प्रूव कर दिए कि हमने ऐसा कुछ छापा ही नहीं है या जो भी चीज़ हम इसको हटा दिए, तो उस समय आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। यदि मान लो कार्रवाई हुआ हो, लेट्स डीएम ने कार्रवाई कर दिया हो, बंद कर दिया हो, तो उसके बाद भी यदि प्रूफ कर दिया कि देखिए ऐसा कुछ था ही नहीं, उसने गलत काम किया है, देन यू कैन एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब आपको साबित करना पड़ेगा, और क्या तुमको लगता है साबित करना इतना आसान होगा, तो टोटली इंडियन न्यूज़पेपर को ये कब करने का प्रयास किया और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो अब तुमको समझ में आ जाएगा बच्चे लोग, रातों रात एक हिंदी न्यूज़पेपर, एक बंगाली न्यूज़पेपर कह सकता हूँ मैं, रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया। तो अमृता बाजार पत्रिका, इसलिए बहुत बड़ा नाम है, देखो अमृता बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष लिखते थे, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, वो बंगाली लैंग्वेज ही होगा, वो रातों रात बच्चे लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया, ताकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसके ऊपर ना लगे, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके ऊपर लगेगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज के ऊपर लगेगा, हिंदी बंगाली मराठी के ऊपर लगेगा वो, तो ये पूछता है कि सबसे पहले ऐसा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से कौन सा न्यूज़पेपर था जो रातों रात रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज से वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, तो वो और दूसरा न्यूज़पेपर नहीं, वो अमृता बाजार पत्रिका ही है जो शिशिर कुमार घोष लिखते थे। आया समय, देखो कितना बढ़िया दिया गया है फिगर में, देखो अंडर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखो क्या होगा बच्चे लोग, बहुत सारे
न्यूज़पेपर के अगेंस्ट वो हुआ, प्रोसीडिंग हुआ है, उसके अगेंस्ट वो कार्रवाई हुआ, जैसे सोम प्रकाश हो गया, भारत मिहिर हो गया, ढाका प्रकाश हो गया, समाचार हो गया, ये सब बड़े बड़े न्यूज़पेपर सब थे, हमारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर सब थे, सबके अगेंस्ट कार्रवाई हो गया। और एक प्रेस कमिश्नर को बनाया गया था ताकि वो देखे, वॉज अपॉइंटेड टू सप्लाई ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट न्यूज़ टू द इंग्लिश ओन्ड एंड एडिटेड प्रेस, यानी कि जो रियल रियल जो न्यूज़ है वो पहुँचाने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए एक प्रेस कमिश्नर को बनाया गया था, समझ गए ना? हाँ, टू सप्लाई ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट न्यूज़ टू द इंग्लिश ओन्ड एंड एडिटेड प्रेस, यानी कि जो भी आपका देखो इंग्लिश बना नहीं है, अमृता बाजार पत्रिका इंग्लिश बनाना, हाँ, तो देर मस्ट बी ए बॉडी, देर मस्ट बी ए पर्सन इन द नेम ऑफ प्रेस कमिश्नर, और प्रेस कमिश्नर पूरा रेगुलेट कर रहा है सबको। स्ट्रांग अपोजिशन, देखो विद्रोह हो गया इस चीज़ का, क्या है यार, क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें तो पूरा हम लोग को बोलने का आज़ादी खत्म कर दिए। तो देखो लॉर्ड रिपन, मैंने कहा ना बहुत अच्छे आदमी थे ये, जैसे ही लॉर्ड रिपन आए तो 1882 में ये ख़त्म कर दिया गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉर्ड मेटकैफ लिबरेटर ऑफ द प्रेस है, तो बिल्कुल लॉर्ड रिपन भी लिबरेटर ऑफ द प्रेस है। आया समझ में? बिल्कुल होप्स समझ में आ रहा होगा भाई। चलो, तो ब्रिटिश ने किस किस तरह का प्रेस एक्ट ला के इंडियंस का मुँह दबाया है। हाँ, गेजिंग का मतलब होता है वही कि मुँह में ना कपड़ा ठूस देना, डेट इज़ अ गेजिंग, मुँह में कपड़ा, अच्छा मुँह में यदि कपड़ा ठूस दिया जाए इसका मतलब क्या, बोलने का अधिकार खत्म कर दिया, गेजिंग इज़ अ मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स, कि मुँह में कपड़ा डाल के बंद कर देना मुँह को। देखो दिमाग ख़राब हुआ, देखो इधर इनका भी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का भी 1883 में ही बिकम द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी, बताओ पहले इंडियन जर्नलिस्ट जिनको गिरफ्तार किया गया। हाँ देखो, ये अपने एडिटोरियल में बंगाली इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे उनके बारे में क्रिटिसाइज़ किया, और उन्होंने कहा कि जब जजमेंट दिए हैं वो अपने जजमेंट में ना हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट्स को उन्होंने कंसिडर नहीं किया, वो बहुत इनसेंसिटिव है। सही बात है, अंग्रेज लोग क्या समझेगा रिलीजियस सेंटीमेंट्स। तो उन्होंने कहा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं वो जब अपना फैसला सुनाए तो जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स इससे हट हुआ है, उन्होंने रिलीजियस सेंटीमेंट्स को कंसिडर नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। अब देखो ये बात तो बहुत बड़ा बन गया, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। स्टूडेंट, तो नेशनल मूवमेंट सिंस 1883 गिव इम्पेटस टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। अब जानते हो ये समय जो 80s का जो समय है बच्चे लोग, हाँ यही 85 में देखते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक प्रेस और अलग रास्ता लेगा, एक अलग लाइन पर जाएगा प्रेस। क्यों? क्योंकि प्रेस सबसे बड़ा माध्यम बनेगा कम्युनिकेशन को फैलाने का, मैसेज को फैलाने का, कि यस देश को एक करना है, ब्रिटिश को निकालना है। तो कह सकते हो कि यहाँ से एक प्रेस अलग स्पीड से, एक अलग गति से, एक अलग लाइन में जाएगा ताकि इंडियंस के बीच में कोऑपरेशन हो। हाँ देखो बीजी तिलक, देखो बच्चे लोग ये आइकॉन है फेयरलेस और आइडियल जर्नलिज्म, इनको डर उड़ने लगता था जो बात है, ठीक है, ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी, फ्रीडम, कितने बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं जान ही रहे हो तुम लोग। तिलक देखो, तिलक तो बाबू क्या बोले इनके बारे में, एसोसिएटेड विद द नेशनलिस्ट फीलिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर तो बहुत बात करते थे, कहते नो हम बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखना चाहिए हमें। तिलक ही थे बच्चे लोग जिसकी वजह से गणपति फेस्टिवल होता है अभी भी होता है ना महाराष्ट्र में, तो क्रेडिट इनको ही जाता। देखो इन्होंने क्या किया कि अवेयरनेस क्रिएट करने के, लोग बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया, कब? 1893 में। हाँ, शिवाजी फेस्टिवल भी स्टार्ट किया उन्होंने 1896 में, ताकि लोग सब असेंबल्ड हो, लोग सब असेंबल होंगे तो जाहिर सी बात मैसेज जाएगा, देखो ब्रिटिश गड़बड़ कर रहा है इस तरह, समझा। और इनका दो न्यूज़पेपर था बच्चे लोग, बहुत ज्ञानी आदमी सब हैं, केसरी, केसरी लिखते थे वो मराठी लैंग्वेज में, केसरी ये नाम है न्यूज़पेपर का, तो केसरी न्यूज़पेपर में कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे? मराठी यूज़ करते थे। और जो मराठा जो न्यूज़पेपर है उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे? उसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे। राइट डाउन दिस थिंग्स, बात समझे? तो केसरी जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश वो मराठी न्यूज़पेपर था, और जो मराठा जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था? वो इंग्लिश का था। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या किया, देखो ही वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट टू एडवोकेट ब्रिंगिंग द लोअर मिडिल क्लासेस पीजेंट्स आर्टिसंस वर्कर्स इन टू द इंडियन कांग्रेस फोल्ड। ये पहला शख्सियत है जिन्होंने कहा कि नो, मूवमेंट इस तरह नहीं होने जा रहा है, मूवमेंट में लोग चाहिए, तो जितने भी नीचे तबके के लोग हैं सबको शामिल करो,
हाँ लोअर मिडिल क्लासेस को लाओ अपने ग्रुप में, पीजेंट्स को, आर्टिसंस को। अगर गांधी जी आए तो गांधी जी तो महिला को भी ऐड कर दिए, तो आने वाले समय में लीडर्स और उस पर काम करते। क्योंकि जितना आपका, जितने मूवमेंट में लोग जुड़ेंगे उतना ही मूवमेंट आपका पावरफुल बनेगा, है कि नहीं बताओ। तो कभी भी कोई भी आंदोलन होता है तो 4-5 आदमी आंदोलन नहीं कर सकता, अधिक से अधिक आदमी आएगा तभी आंदोलन हो सकता है विद्यार्थी लोग। तो देखो तो 1896 में बच्चे लोग ही ऑर्गेनाइज ऑन ऑल महाराष्ट्र कैंपेन फॉर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ इन अपोजिशन टू द इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन। बताओ इन्होंने महाराष्ट्र में कैंपेन चला दिया कि जितने भी ब्रिटिश का जो कपड़ा है, कह सकते स्वदेशी वाला, जितने भी ब्रिटिश का जो कपड़ा है उसको वो कर दो, अपोज कर दो, ब्रिटिश का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहना, फॉरेन क्लोथ बिल्कुल नहीं पहना। क्या रीजन था? क्योंकि देखो कॉटन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया था, टैक्स कलेक्शन, तो नहीं पहना, बॉयकॉट करना है, पूरा बॉयकॉट करना है, समझे। 96 और 97 में क्या हुआ? देखो इन्होंने नो टैक्स कैंपेन महाराष्ट्र में चला दिया। इसका मतलब क्या कि यदि क्रॉप फेल हो गया, याद करो सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा सत्याग्रह, हाँ तो इन्होंने बिल्कुल उसी टाइप का ही है, महाराष्ट्र में ही कैंपेन चला था। इसमें कैंपेन ये चला था कि यदि क्रॉप फेल कर गया तो रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है, समझे, अर्जिंग फार्मर्स टू विथ होल्ड द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इफ देयर क्रॉप हैड फेल्ड। यदि आपका क्रॉप फेल हो गया तो ब्रिटिश को रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है। तो देख रहे हो ये आदमी कितना बोल्ड था, ठीक है, कितना मतलब डर और कुछ डर नहीं है, यही आदमी है, यही महान शख्सियत है जिन्होंने कहा था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। बच्चे लोग बहुत बड़ी बात है, इन्होंने अपने पेपर में लिखा था और ये बात फिर इनको कोर्ट में हाजिर किया गया था, बम्बई कोर्ट में, वहाँ पे भी इन्होंने दौड़ाया था इस चीज़ को। जुझारू है, हद जुझारू आदमी है, समझे, डर नहीं है जी। देखो वही बोले कि एडिटोरियल जो कलम है उसे हम इनजस्टिस से लड़ सकते हैं, जो गलत चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन उससे हम लड़ सकते हैं, समझे बच्चे लोग। तो देखो इन्होंने इतना बड़ा और कहा है, देखो इन्होंने कहा केसरी, वही जो मराठी वीकली न्यूज़पेपर जो है, जो इन्होंने बनाया था 1881 में स्टार्ट किया था और अभी बहुत वोकल हो गया, ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत कुछ लिख रहा है। आगे देखो, बिल्कुल याद करो तुम लोग, ये कहीं ना कहीं तुम लोग को चापेकर ब्रदर्स के भी बहुत सारा बताए थे, तुम लोग को याद है, इसमें समझ जाओगे। 1896 में जब महामारी आया महाराष्ट्र में, बैबनिक प्लग महामारी है, महामारी समझते हो ना, पूरा फैल जाना बीमारी, दवाई नहीं है, जिसे कोविड-19 भी कह सकते हो। तो बैबनिक प्लग देखो, वही बैबनिक प्लग एक बैक्टीरिया के वजह से हुआ था। इस बार देखो कोविड-19 एक वायरस के वजह से हुआ था ना, तो बैक्टीरिया के वजह से हुआ था। पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूरा फैल गया था, लोग सब भागना शुरू कर दिए थे, राइट सब दंगा होना शुरू हो गया था, स्थिति बहुत ख़राब था। तो सरकार ने सोचा कि यस ड्रास्टिक एक्शन लिया जाए, तो ड्रास्टिक एक्शन लिया जाए इस प्लेग के, क्योंकि देखो ये बीमारी इन्फेक्शियस बीमारी। देखो कोविड को लेकर सरकार ने क्वारंटीन स्टार्ट किया ना बच्चे लोग, एग्जैक्टली यही समय क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट आया था, यही मैंने बोला था और यही 2024 के UPSC में पूछ लिया है इस बार, तो यही ब्रिटिश ने ही बनाया था। और देखो क्वारंटीन किसका अधिकार में रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, समझे। तो गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू टेक अ ड्रास्टिक एक्शन अगेंस्ट द प्लेग, प्लेग के अगेंस्ट ड्रास्टिक एक्शन लेने का बात किया था, तो उसके लिए कमेटी बनाया, उसमें देखो मिस्टर WC रांद हैं, हाँ, और लेफ्टिनेंट अर्स्ट है, दोनों शख्सियत को डाला गया, दोनों आदमी को डाला गया, कमेटी बनाया गया कैसे लड़ा जाए बैबनिक प्लग से, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब सोल्जर सिपाही लोग क्या करेंगे, घर घर जाएंगे। द सोल्जर स्टार्टेड हाउस सर्चिंग एंड आइसोलेटिंग दोज अफेक्टेड बाई प्लेग। अब जो प्लेग से ग्रसित हुए हैं बताओ, उसको घर से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तुमको लगता है कि ये लोग बहुत सोशल वेलफेयर मेजर से काम करेंगे? बच्चे लोग जो लोग मान लो घर में कोई बीमार हो गया, जिसको प्लेग लग गया कोई भी टाइप का, तो उसको पकड़ पकड़ के अलग कर दिया जाएगा, तो एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, ये घर में आकर तुम अलग कर रहे हो। अब इसका भी अपना मजबूरी है, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अभी का सरकार जिस तरह क्वारंटीन व्यवस्था दी हमको, और उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रोच तो बहुत ख़राब रहने वाला है। वही हुआ, देखो सोल्जर लोग घर घर जा रहे हैं, वही पुलिस लोग घर घर जा रहे हैं, और जो अफेक्टेड आदमी है उसको अलग आइसोलेटेड रखा जा रहा है। पीपल को बहुत गुस्सा है, पीपल गॉट एक्ट, लोग को गुस्सा है कि कौन है ये, कैसे आ रहा है, इस तरह सप्रेस किया जाता है क्या बीमारी को, इस तरह हटाया जाता है क्या, इस तरह हमको अलग कर देगा क्या। द पीपल गॉट एक्ट बाई दिस वे ऑफ गवर्नमेंट सप्रेशन ऑफ डिजीज, ये तरीका सही नहीं है बीमारी को कम करने का, बीमारी को ख़त्म करने का, ये तरीका बहुत गलत है, पकड़ पकड़ के अलग कर दिया जा रहा है हमको। अब देखो तिलक जी ने ना एक बहुत भयानक आर्टिकल लिखा था,
केसरी में, और उसमें देखो, और उसमें जो लिखे हैं वो उसकी वजह से बहुत बड़ा बात हो गया इंडिया में। क्या हुआ? तो उसमें ये लिखे थे कि शिवाजी ने जो अफजल गुरु को अफजल खान को मारा था, याद है ना, जिस पे रील भी बनता है अफजल खान को, गाना भी है ना एक मराठी एकदम रैप जो है उसमें है, तो हुंकार भरे ऐसे करके ना वो बिल्कुल, तो हाँ ये बहुत भयानक है वो गाना कितना पॉपुलर हुआ शिवाजी का। तो मराठी ने देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मराठी जो न्यूज़पेपर है उसमें उन्होंने कह दिया, लिख दिया कि अफजल खान को शिवाजी ने बहुत सही तरीके से मारा है। ये मैसेज क्या है कि अफजल खान और कोई नहीं, ब्रिटिश है, बात समझे ना। जब ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे बेबनी ब्लॉक के लिए कमेटी बना, उसमें जो अध्यक्ष है उसके अगुवाई में जो आर्मी सब जो पुलिस सब घर घर जाके इतना क्योस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे बीच में कोई एक आर्टिकल लिखता है और बोलता है कि शिवाजी ने जो अफजल खान को मारे थे वो बहुत सही मारे थे, तो अफजल खान कोई नहीं, वो ब्रिटिश को टारगेट करना चाह रहे थे। देखो भाई, बाय ब्रिटिश एज इनसाइट, इसका मतलब क्या कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने का इंसाइटमेंट दे रहा है केसरी उसमें, और यही हुआ भी विद्यार्थी लोग। रिजल्ट क्या हुआ कि दो ऑफिसर जो थे है ना, दोनों को चापेकर ब्रदर्स, तीन ब्रदर्स थे ना, तीनों ने मिलकर उड़ा दिया बगैर वही, यही जो बहुत बड़ा बात हो जाएगा ना, लग जाएगा सेडिशन का चार्ज इनके ऊपर। आफ्टर दिस ये सीरीज देखो, बहुत ट्रायल चला, मुकदमा चला इनके ऊपर तिलक जी सेडिशन। अब देखो इनको 18 महीना के लिए इम्प्रेजमेंट भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया 18 महीना के लिए, समझ रहे हो ना। अब कोर्ट में देखो क्या बोलते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। तो मतलब बड़ी बात है ना, ये कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं बोल सकता इस तरह की चीज़। कोर्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। तो ये जुझारूपन तिलक जी का, यही जुझारूपन के वजह से तिलक जी नेशनल हीरो बन गए और उनको अभी लोकमान्य तिलक कहा जाता है। देखो इस लेवल के भी, इस कद के भी लीडर हो सकते हैं, एंड पढ़ने लिखने वाले घर से आदमी जो खुद केसरी लिख रहे, कुछ मराठा लिख रहे, यही तो मैं कहना चाहता हूँ तुम लोग से, जितना फ्रीडम फाइटर है सबको पढ़ो जानो, बहुत पढ़े लिखे लोग सब थे ये, इंक्लूडिंग भगत सिंह ऑल्सो, सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्वेंट थे, टॉप 10 में था उनका रैंक। तो मैं तो वही तो सीखना चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा आदमी फील्ड पे उतर रहा है देश के लिए, समझ गए। आप देखो ये IPC का धारा, बताओ यही धारा सब लगा के वो डालेगा जेल में उसको, हमारे बीजी तिलक को। देखो अभी भी चलता है सेक्शन 124, अभी BRS में ख़त्म किया गया इसको, भारतीय न्याय संहिता में ख़त्म किया गया, मत सिमिलर फिर दूसरा लेके आ गया। तो सेक्शन 124A ऑफ IPC 1870 देखो, इसमें कोई भी यदि कोई भी कोशिश कर रहा है, चाहे राइटिंग के थ्रू, चाहे लिख के, चाहे बोल के, चाहे इशारा में, चाहे सिग्नेचर से, किसी भी तरीके से, जिसके वजह से डिसएफेक्शन क्रिएट हो रहा है ब्रिटिश अगेंस्ट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो ऐसे केस में उसको जेल में पहुंचाया जा सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है। हाँ, 3 साल के लिए डाला जा सकता है या फिर लंबा समय के लिए भी डाला जा सकता है। देखो उनको 18 मंथ के लिए डाला गया ना, बाद में बच्चे लोग एक सेक्शन और ऐड किया गया 1898 में, और इसमें क्या बोला गया, देखो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें क्या बोला गया कि कोई भी आदमी, कोई भी अपने राइटिंग से, बात हुई राइटिंग से, बोली से, कुछ भी चीज़ से, यदि सरकार के अगेंस्ट कुछ किया, कंटेम्प्ट किया, सरकार के अगेंस्ट कुछ गलत काम किया, या फिर कम्युनिटी के बीच में हेट्रेड क्रिएट किया और दंगा वाला टाइप का सिचुएशन क्रिएट किया, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब बहुत बड़ा बात होता है, इसके लिए पनिशमेंट भी बहुत तगड़ा दिया जाएगा। फिर तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने क्या किया, ये सब सेडिशंस वाला है ना प्रोविजंस को ऐड करके और ज़्यादा इंडियंस के ऊपर है ना रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे देखो, होप सो ये समझ में आ गया होगा कैसे वो गए हैं वहाँ से। अब देखो न्यूज़पेपर एक्ट 1908 समझ जाओ। अब 1908 देखो याद करो बच्चे लोग, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका है, स्वदेशी मूवमेंट होगा, उसके बाद सूरत स्प्लिट भी हो चुका है, जहाँ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स टूट गए दोनों, है ना, वही ब्रिटिश का वही कैरेट वही पॉलिसी है, तुम्हारा बोलते हैं ना स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी, वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इसमें क्या एक्सट्रीम नेशनलिस्ट एक्टिविटी जो ये चल रहा था, इन लोगों का एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, वही जो मॉडरेट्स नहीं, गरम दल और नरम दल थे ना,
जो गरम दल होंगे, एक्सट्रीमिस्ट लोग होंगे, वो अपने पीक पे, अभिजीत तिलक टाइप के लोग सब, इसको सप्रेस करने के लिए इस तरह का चीज़ लाया गया, गवर्नमेंट फॉलोड रिप्रेसिव पॉलिसीज एंड इनेक्टेड न्यूज़पेपर एक्ट, देखो 1908 में, ये लॉर्ड मिंटो थे उस समय। अब डीएम को बोला गया कि वो क्या कर सकता है, प्रेस प्रॉपर्टी को कैप्चर कर सकता है, कन्फिस्केट कर सकता है। इसका मतलब क्या, कुछ भी ऑब्जेक्शनल मटेरियल यदि लिखा गया पेपर में, जिसके वजह से रिसेंटमेंट हुआ लोगों में, उस जिसके वजह से पब्लिक भड़क गया, जिसके वजह से मर्डर वगैरह हो गया, तो ऐसे न्यूज़पेपर को क्या किया जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस को पूरी तरीके से कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। देखो अब क्या हुआ, देखो आप सोचो, आप देखो तिलक जी को और ज़्यादा जलना पड़ा, तिलक जी को सेडिशन में पाया गया। देखो अब मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट बार बता, एक बार तो हो ही गया है, और इनको मंडला या बर्मा वही रंगून 6 साल के लिए भेज दिया गया जेल में। अब इस चीज़ को लेकर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो गया, क्योंकि वो लोकमान्य तिलक है ना, जैसे भगत सिंह को डाला गया, तो देखो देख रहे होते ना भारत में क्या उस समय कंडीशन था, इस वजह से कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो गया। अब बॉम्बे में देखो टेक्सटाइल वर्कर्स और रेलवे वर्कर्स सब स्ट्राइक पे चले गए, लेनिन ऊपर वाले लेनिन जो रशिया का जो लेनिन था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन होगा ना कुछ दिन में, बिल्कुल वो भी कहा कि यस अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भारत का वो पॉलिटिकल स्टेज पे उतर चुका है, अब ये लड़ाई दूसरा लड़ाई होने वाला है। तो ऊपर से और बोला और ज़्यादा दूर पकड़ लिया वो चीज़, वो अपना चाहता था कि थोड़ा उसका जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वाला जो विचारधारा वो भी फैले, जब वर्किंग क्लास आ जाएगा समझते बहुत बड़ा बात हो जाएगा उसमें, कि लोग बोलेगा, वर्कर बोलेगा हम काम नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक पर बैठेंगे, कैसे लोकमान्य तिलक को पकड़ सकता है कोई, क्यों इतना लंबा जेल डाल सकता है, क्योंकि वो तो बड़े फिगर है ना। अब देखो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो बहुत गंदा था 1878 का, जो कौन लेके आया था, लॉर्ड लिट्टन जो लेके आए थे, ठीक है बताओ। अब 1910 का समय है, उसका ही बहुत गंदा चीज़, देखो लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था ना वो चीज़ रिपन, अब वही जो गंदा जी जो गंदा एक्ट था जो लिट्टन लेके आया, वही चीज़ को फिर से अब लाया जाएगा, किस फॉर्म में, इंडियन प्रेस एक्ट में 1910 में, समझ रहे हो बच्चे लोग। हाँ याद करो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में डीएम को अधिकार दिया गया था कि वो कुछ भी कर सकता, बॉन्ड साइन होगा ना पहला और दूसरा, पहला यदि बॉन्ड वायलेट हो जाए तो तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट कैप्चर कर लिया जाएगा, फोर्टिफाइड कर लिया जाएगा, यदि सेकेंड बार फिर वॉयलेट हो जाता है तो पूरा जो प्रेस मशीनरी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा कैप्चर कर लिया जाएगा। सही बात है ना, ये अधिकार किसको दिया गया था, डीएम को अधिकार दिया गया था, इस समय ये अधिकार डीएम को नहीं लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है, चीज़ एग्जैक्टली सेम चीज़ है, समझे, सिक्योरिटी डिपॉजिट का यानी प्रिंटर और पब्लिशर का सिक्योरिटी डिपॉजिट का कैप्चर करने का या सीज करने का अधिकार लोकल गवर्नमेंट को होगा, फोर्टिफाइड किया जा सकता है, डी रजिस्टर भी किया जा सकता है, यदि कोई भी न्यूज़पेपर ऑफेंडिंग हो, ब्रिटिश को विद्रोह में लिखा जा रहा है तो उसको सीज कर सकते हैं, उसको डी रजिस्टर किया जा सकता है। 2 copies टू बी सबमिटेड टू द लोकल गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि 2 copies देना पड़ेगा, कुछ भी आप न्यूज़ लिखे ना 2 copies आपको लोकल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। एंड हाँ, इसमें देखो वे ऑफ अपील है, यदि मान लो कोई भी अग्रिम न्यूज़पेपर है जिसके ऊपर मुकदमा लगा तो वो जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, वही ना बिफोर ट्राइब्यूनल ऑफ हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में अपना बेंच बनेगा, वो बेंच देख लेगा। तो इसमें एक प्रोविजन तो है, वे ऑफ अपील है विद्यार्थी लोग, मैं याद करो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में वे ऑफ अपील नहीं था। हाँ एग्जम्पशन दे सकता है सरकार देख के, वो अलग बात है, मैं वे ऑफ अपील नहीं था वहाँ पे। तो कहो कि ठीक है वर्स्ट फ्यूचर लेके आया, मगर कुछ है कि क्योंकि जानते हो कि हाई कोर्ट से भी बन गया था इस समय, हाई कोर्ट बन गया था ना, बिल्कुल। अब देखो वर्ल्ड वार का समय है मैं, चलो अब तुमको सब समझ में आ जाएगा बढ़िया से, वर्ल्ड वार का समय है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड जानते हो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ है, 1919 में उसका रिजल्ट आया। तो वर्ल्ड वार वन के टाइम में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1914 लाया गया, ठीक है। और ये क्या था तुम्हारा, वही पॉलिटिकल एजिटेशन जितने भी हो रहे भारत में उसको रिप्रेस करने के लिए, उसको खात्मा करने के लिए, और पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो ब्रिटिश का, यानी कि न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जिसके अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के है ना अगेंस्ट सेंटीमेंट्स उबड़े लोगों के बीच में, समझ गए। तो यही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, वही इसको कह सकते हो, उसी का रूल्स क्या था, एक्ट लाए तो एक्ट को पास करने के रूल्स और रेगुलेशंस होगा ना स्टूडेंट्स, वही उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन लाया गया सरकार की तरफ से, कि कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर ना लिखे जिसकी वजह से पॉलिटिकल एजिटेशन हो भारत में, ठीक है, पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करे गवर्नमेंट को एंड सो ऑन, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल ये गलत चीज़ है, क्योंकि हमने मदद किया, एक तो चाहते तो हम पीछे से भी अटैक कर सकते थे, याद है ना गांधी जी ने कहा नहीं पीछे से अटैक नहीं करना है हमें,
गांधी जी अभी सीन पे आए हैं, बात समझ रहे हैं। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सहयोग किया ब्रिटिश का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सहयोग किया, और ये समय बाबू रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का भी है। टेररिज्म बोलना गलत बात है, रिवोल्यूशनरी जो हमारे एक्टिविटीज़ हुए थे, हमारे भाई लोग यूथ लोग आए ना ये समय, हाँ वो लोग गैप भरते हैं। 1921 एक प्रेस कमेटी बना, उसमें देखो स्वयं तेज बहादुर सप्रू है हमारे इंडियंस, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि 1908 जो प्रेस एक्ट आया है जिसमें बहुत गलत गलत फ्यूचर है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का है, और ये 1910 में 1908 हो गया आपका, 1908 ऊपर वाला था, सॉरी लॉर्ड मिंटो जो लेके आया था, ऊपर जाके देखो फिर से 1908 जो लॉर्ड मिंटो लेके आया था, हाँ जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया ना, बीजी तिलक को पकड़ लिया गया 6 साल के लिए, है ना, प्रेस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का बात था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा इम्पावर कर दिया गया था वो एक्ट, और 1910 में जो आया है वही जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो रिवाइवल हुआ उसमें, ये दोनों ख़त्म करिए। और अच्छी बात पता है क्या हुआ, सरकार ने ये बात को मान लिया। देखो ये बड़ी बात है कि पहली बार किसी कमेटी में इंडियंस था, हालांकि इससे भी पहले कमेटी में इंडियंस था, मगर ऐसा कमेटी में इंडियंस है जिसका बात पूरा मान लिया गया। तो ये प्रेस जो बना है, प्रेस समझ रहे हो, प्रेस कमेटी बना, उसमें तेज बहादुर सप्रू लीड कर रहे थे, मतलब मेन अध्यक्ष थे, उसके चेयरमैन थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया वो बात ब्रिटिश ने मान लिया। कहो सर ऐसा क्या स्थिति, तो याद करो मोंटागू चेंज फॉर रिफॉर्म्स, उसमें अधिकतर बात भारतीय का माना गया है, मगर उसमें कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है, वही डायर के सिस्टम। तो गवर्नमेंट देखो वही बोला, गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया रिकमेंडेशन के, ठीक है हम प्रेस एक्ट 1908 ख़त्म करने जा रहे हैं, प्रेस एक्ट 1910 ख़त्म करने जा रहे हैं, चलो इंडिया का जीत है, ये बहुत बड़ा जीत है। अब याद करो ये समय CDM का है, अब 1931 का CDM, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो उस समय देखो इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर बना, ये बना इसलिए इंडियन प्रेस एक्ट है बच्चे लोग, इमरजेंसी पावर है, समझ लो ना जो स्थिति है उस समय कंट्री का, क्योंकि लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट, CDM में जानते हो लोग जुड़ेंगे ही, वही सल्ट सत्याग्रह बच्चे लोग, RTC होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, B.R. अम्बेडकर जी, गांधी जी मिलेंगे वहाँ पे लंदन में। तो इसमें पावर पूरा प्रोविंशियल सरकार को पूरा पावर दिया गया था, जो भी प्रोपागेंडा जो भी मैसेज फैलाया जा रहा है, जो भी चीज़ CDM के लिए उसको पूरा आप सप्रेस कर दीजिए, क्योंकि नहीं चाहेगा कि इन लोगों का प्रोटेस्ट, इंडियंस का प्रोटेस्ट आगे बढ़े, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लोग जुड़े, इसलिए ये इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया, इसलिए इस तरह का एक्ट लाया गया। हाँ अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है विद्यार्थी लोग, 1942, तो प्रेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, देखो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, देखो ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स पहले भी आया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्री सेंसरशिप फिर से इम्पोज कर दिया गया। और इसमें इतना ही नहीं, जो भी प्रेस इमरजेंसी एक्ट चल रहा था पहले वाला, जो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, उसमें भी अमेंडमेंट किया गया, इसलिए किया गया ताकि इतना आसान ना हो न्यूज़ को फैलाना। और उतना ही नहीं विद्यार्थी, एक समय ऐसा आया था एट वन टाइम कि जितने भी न्यूज़ थे कांग्रेस एक्टिविटीज रिलेटेड सबको इलीगल घोषित कर दिया ब्रिटिश ने। भाई इलीगल वो घोषित करेगा उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये समय 1942 का है, ठीक है ना, बहुत आगे बात बढ़ चुका है, अब कितना ब्रिटिश दबाएगा। और 1942 में खुद ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगा हुआ है, वो आया था इसलिए ताकि यहाँ जो परेशानी हो रहा है उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए इस तरह का एक्ट लाया गया, समझ गया ना। यस, तो हमने ब्रिटिश का सब समझ लिया, जब भारत आज़ाद हुआ या भारत जब आज़ाद होने जा रहा है, ठीक है, तो उस समय हमारा क्या अप्रोच था। देखो फ्री इंडिया, देखो वही बोला फ्री इंडिया ने किस किस तरह का प्रेस पे काम किया है। तो 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रेस इंक्वायरी कमेटी बैठा, ठीक है, इसमें ये कहा गया कि देखो जितने भी प्रेस लॉस है सबको रिवाइव करिए, जिसकी वजह से लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है लिखने का, बोलने का, समझने का और अपना विचार पहुंचाने का, बिल्कुल वो होना चाहिए, हमारे इंडियंस फ्री सोच रख के अपना आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इस चीज़ को लेके जो भी डिबेट में जो भी निकला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही डिबेट हुआ था हमारा जब संविधान बन रहा था, उसमें जो भी निकल के आया कि प्रेस के लिए सब चीज़ होना चाहिए, सभी चीज़ इस इंक्वायरी कमेटी में बात को रखा गया, हर वो चीज़ रिवाइव किया गया जो कि बहुत ज़रूरी है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, समझ गए विद्यार्थी लोग। देखो अब इसमें देखो वही बोल रहा है कि जो इंडियन इमरजेंसी पावर लगा था वही CDM के टाइम में उसको हटा दिया गया। हाँ इसमें देखो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट है उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया, और दूसरी बात देखो मॉडिफिकेशन वही सेडिशस वाला, जिसके द्वारा जानते हो बीजी तिलक को 18 महीना जेल, फिर 6 महीना के लिए, 6 साल के लिए फिर जेल, तो उसको भी मॉडिफाई किया गया। हाँ सेडिशन ख़त्म नहीं किया गया,
क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो स्थिति खराब ही था, तो इसलिए उस एक्ट को रखना पड़ा। हो सकता है कि राजा प्रिंसली स्टेट था सब, लेकिन भारत आज़ाद तो हुआ, इसमें स्थिति इतना वो था कि हम सेडिशन वाला पूरा ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय चाहिए था वो धारा 100 में। अब फिर बाद में वो कंट्रोवर्शियल चीज़ बनते गया, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद भी चलो ठीक है 10 साल आपको चाहिए था, 20 साल चाहिए था, अधिकतर आपको 10-15 साल रखना चाहिए था सेडिशन एक्ट को, उसके बाद तो ख़त्म करना चाहिए था कायदे से, मगर सरकार ने ख़त्म नहीं किया वो चीज़। अब फाइनली जाकर ख़त्म हुआ है, और 1-1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल ही दिया कि किसी भी आदमी को आप सेडिशन एक्ट के अंदर नहीं पकड़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल पहले ही बोल दिया था ये चीज़। हाँ देखो मॉडिफिकेशन हुआ है वही सेक्शन सब में। 1951 में देखो प्रेस ऑब्जेक्शन मैटर एक्ट 1951 आया, इसके अंदर बोला गया कि यस ये गवर्नमेंट पूरा गवर्नमेंट को पूरा एम्पावर किया जाता है कि कोई भी गलत ऑब्जेक्शनल मैटर ना छपे। देखो इंडिया में भी तो उल्टा पुल्टा छप ही सकता है ना, अब सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया, सरकार के विरोध में छप गया तो वो तो अच्छी बात नहीं है उसी के लिए, यानी कि प्रेस को वो करने के लिए। देखो प्रेस को आप खुला छूट भी नहीं दे सकते हो, अब फ्रीडम ऑफ प्रेस का नाम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे, देर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शन। अब मान लो कि तुमने पूरा छोड़ दिया, उधर चाइना अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया भारत में, तो गलत बात ना है, समझे? इसलिए देखो इस तरह का लाया गया ताकि गवर्नमेंट डिमांड कर सके और फोर्टिफाइड कर सके सिक्योरिटी, जो ब्रिटिश पहले कर रहा था। यदि कोई भी ऑब्जेक्शनल मैटर यदि पब्लिश हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट भी वही करेगा जो पहले ब्रिटिश कर रहा था, मगर इंडियन गवर्नमेंट का इंटेंट अलग है, सच में ही एक लोग गलत है, जानते हो ना, एंटी गलत वाला एलिमेंट एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स भी तो होगा ही होगा, अभी भी तो है वो सब कर्व करने के लिए। और हाँ ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे काम का चीज़ है, 1955 में ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल बना, तो अभी भी जितना भी प्रेस का जो चीज़ होता है ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल ही देखता है अभी जाते लोग। तो उस समय एक प्रेस कमीशन बना, किसके अंडर? जस्टिस राजा अध्यक्षा के अंदर बना था, इन्होंने ही सुझाव दिया कि ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल बनना चाहिए। अभी जितना भी देखते हो ना न्यूज़पेपर वगैरह सब, सबको रेगुलेट कोई करता है तो ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल ही करता है स्टिल अभी भी। आया विद्यार्थी समझ में ये सब चीज़? यस। तो कहानी तो ख़त्म कर दी हम कि कंपनी के अंदर क्या था, क्राउन के अंदर किस किस तरह से चेंजेस आया है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस समय क्या क्या अप्रोच था हमारा प्रेस को लेके, तो वी हैव सीन। हाँ कुछ इसका देखते हैं पॉजिटिव चीज़। देखो व्हाई नेशनलिस्ट वेयर डिमांडिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस, आखिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर सब थे, नेशनलिस्ट लोग थे जो देश के लिए लड़ रहे थे, ये लोग क्यों चाह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए? नंबर वन देखो, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर का वाइडर रीच है ना, न्यूज़पेपर छपा कहीं पहुंचा, कहीं मैसेज पहुंच जाएगा ना आराम से, देखते हो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी बहुत आता है कि नहीं आता, घर घर जाता है न्यूज़पेपर। और देखो अच्छी बात है, देखो वहीं से स्टार्ट हुआ पढ़ने लिखने का, देखते हो गाँव सब में तुमको गाँव सब में नजर आएगा अच्छा खासा लोगों को पढ़ते हुए, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को। तो वाइडर रीच है, वाइडर जियोग्राफिकल रीच है नंबर वन। और दूसरी बात, इसका जो लिमिट है मूवमेंट की तरह नहीं है, मूवमेंट क्या था टाउन्स में था सिटीज़ में था, ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर गांव से गांव हिंटरलैंड तक जा सकता है, ये हुआ बोला भाई, सिटीज़ और टाउन तक ही सीमित नहीं था इसका, वो अंदर भी जा सकता है। हाँ देखो वही रिमोट विलेज में पहुंच सकता है, ठीक है वहाँ के लोग भी डिबेट कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर, सही बात है। एक तरह से लाइब्रेरी मूवमेंट बना, लोग पढ़ पढ़ के लोग समझ रहे हैं, ठीक है पॉलिटिकल एजुकेशन तो फैलेगा ही फैलेगा इससे, मॉडर्न आइडिया से भी लोग परिचित हो जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोग सहमति देंगे। अब देखो जब गांव से गुजरेगा कोई भी मूवमेंट तो लोग जाएंगे ना देखने के लिए, जैसे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ तो गांव के आदमी लोग बैठे हुए थे हाथ जोड़ के कि कब आएंगे यहाँ से गांधी जी, कब उनको देखेंगे, कब उनको ज्वाइन करेंगे, तो कैसे होता है, पेपर सबसे बड़ा माध्यम है, समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? हाँ इन दिस न्यूज़पेपर गवर्नमेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज, देखो सरकार का जितना भी प्रोग्राम पॉलिसी है, सरकार का जितना भी लेजिस्लेशन है, सबका स्क्रूटनी होगा पेपर में, उसका जो गलत गलत चीज़ है लोगों को बताया जाएगा। ये अपने आप में देखो उस समय तो कोई विरोधी था नहीं, उस समय तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वैसा था नहीं कि अंग्रेज कोई विरोध करता है, तो न्यूज़पेपर खुद अपोजिशन का काम कर रहा था, सही बात है कि नहीं बताओ? तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का जो विचारधारा है प्रोपेगेंडा वो फैलाने में हेल्प कर रहा था, मोबिलाइजेशन मास मोबिलाइजेशन के लिए भी, पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के लिए भी न्यूज़पेपर का ही जरूरत था। और एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न नॉलेज, जो बहुत सेकुलर नॉलेज है अच्छा नॉलेज है उसको भी स्प्रेड करने के लिए तो बिल्कुल यही काम आएगा न्यूज़पेपर। इसलिए हमारे जो नेशनलिस्ट लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि यस फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। अब बताओ न्यूज़पेपर तुम छाप सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है कि तुम ये नहीं छाप सकते, तो फिर कहाँ हुआ फिर फ्रीडम? फ्रीडम का मतलब क्या कि जो रियल चीज़ है उसको हम करें, गलत चीज़ नहीं। अब यदि ब्रिटिश गलत करे तो बोलना तो पड़ेगा वो चीज़, भाई ब्रिटिश सरकार में उसे क्या मतलब है हमको, बात समझ में आ रहा है? तो देखो ये सब चीज़ क्रिएट किया है,
यस आई हैव कम्प्लीटेड, देखो यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ से देखोगे इन फेवर ऑफ सेंसरशिप, यानी जिसने सेंसरशिप लगाया, जिसने पाबंदी लगाया प्रेस के ऊपर, और दूसरा क्या कि जिसने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए काम किया था। देखो लॉर्ड वालेसली ने पाबंदी लगाया ना, एडम्स ने लगाया ना, लॉर्ड कैनिंग ने भी लगाया था, बताए थे ना लॉर्ड कैनिंग, हाँ जो आए थे लॉर्ड कैनिंग 57, लॉर्ड लिट्टन देखो, लॉर्ड मिंटो देखो, ठीक है। मगर देखो एक तरफ तुमको लगेगा कि ये लोग प्रेस के अगेंस्ट थे, अब देखो प्रेस के फॉर्म में भी, फ्रीडम ऑफ प्रेस के फॉर्म में आए लॉर्ड हेस्टिंग, मेटकेफ, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मैकेले भी। लॉर्ड मैकेले वही जिन्होंने सिविल सर्विस का भी वो कहा कि इंडियंस को मिलना चाहिए, हाँ जो वही जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में बिलीव करते थे, जो कि हुआ नहीं रियलिटी में, फर्स्ट लॉ मेंबर बने थे गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही, ये सभी चीज़ मोटा मोटी ख़त्म कर चुके हैं। अब तुमको मिलेगा यहाँ पे थोड़ा, ये भी मैं बता देता हूँ तुम लोग को कि अभी तक क्या क्या छपा है। देखो तो बंगाल गैजेट था ना पहला पेपर, वीकली था, एक हफ्ता में निकलता, 1780 में कलकत्ता से छपता था। कौन कौन थे इसके फाउंडर एडिटर? जेम्स अगस्त हेके, सही बात है। इंडियन गैजेट देखो 1787 कलकत्ता से ही निकलता, वही हेनरी ल्यूस विवियन डिराजियो, जो डिराजियो मूवमेंट शुरू किया था, याद है, प्रोफेसर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, टीचर थे, बहुत जल्दी ही डेट हो गया था इनका। मद्रास कुरियर फर्स्ट पेपर था मद्रास से निकलने वाला, हाँ समझे फर्स्ट पेपर फ्रॉम द मद्रास 1784 में। मुंबई हेराल्ड देखो 1789, इंडियन हेराल्ड, हाँ जो नेशनल हेराल्ड उस समय बोले थे हम, वही इंडियन हेराल्ड एक्चुअली मद्रास से, देखो नाम देख सकते हो यहाँ पे। दिग्दर्शन देखो फर्स्ट बंगाली मंथली मैगजीन है ये सब, कलकत्ता से। कलकत्ता जर्नल देखो जे एस बकिंगम। बंगाल गैजेट देखो फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर, देखो बंगाली न्यूज़पेपर है ये, ये क्या है, हरिश्चंद्र रॉय रॉय 1818 में। संवाद कुमुदिनी बोलते हैं ना ये हम, संवाद कुमुदिनी देखो राजा राम मोहन रॉय 1891। मिरतुल अकबर फर्स्ट जनरल इन पर्सिया, देखो पर्सिया में छपने वाला, वही कल बच्चे को बोले थे ना, हाँ हाँ एक कोई बच्चा बोला था जाम ए जहान हुआ, यही 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 कल डिस्कशन भी हुआ था इस चीज़ को लेके क्लास में, ये यही है जो बोल रहा था वो लड़का, समझ रहे हो ना बात को। बंगा दत्ता देखो, ये देखो राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और भी लोग सब लिखते थे उसको। आगे देखो बॉम्बे समाचार फर्स्ट पेपर इन गुजराती देखो 1822। ईस्ट इंडियन डेली 19th सेंचुरी में, देखो हेनरी बीवे, देखो इनका भी कितना क्रेडिट है। मुंबई टाइम्स देखो वही टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया, अभी पढ़ते हो ना पेपर बच्चे लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो ना या पढ़े हो ना टाइम्स ऑफ इंडिया, देखो वो स्टार्टिंग हुआ बॉम्बे टाइम्स के रूप में, ठीक है। 1861 के बाद वही टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया, देखो इसको लिखने वाले रॉबर्ट नाइट थे, ठीक है, और भी लोग थे, थॉमस बेनेट भी थे। राष्ट्र गोपतर ये तो जानते हो, पढ़ाए दादाभाई नारो जी, देखो ये देखो वहाँ पे देखो हिंदू पैट्रियट देखो 1853 में, राइटर का नाम देख सकते हो साइड में, सोम प्रकाश, हाँ सोम प्रकाश बताए थे ना, बहुत सारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से बहुत सारा ये सब न्यूज़पेपर पे वो हुआ, पाबंदी लगा है देखो। द्वारकानाथ विद्याभूषण है वो, इंडियन मिरर देखो बच्चे लोग, देवेंद्रनाथ टैगोर याद आया, हाँ बिल्कुल, बंगाली, हाँ अमृता बाजार पत्रिका याद करो, वही शिशिर कुमार घोष थे ना जी, हाँ। नेशनल पेपर देखो देवेंद्रनाथ टैगोर, मद्रास मेल अमिता, अच्छा बंगाली अमृता बाजार पत्रिका देखो, हाँ शिशिर कुमार घोष ये है, और वो उनके भाई है दूसरे वाले हैं, गिरीश चंद्र घोष है ऊपर वाले हैं, यानी कि बंगाली दिस एंड अमृता बाजार पत्रिका, ये फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर्स था। और अमृता बाजार पत्रिका जानते हो कि एक ही दिन में रात को क्या चेंज हो गया था ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वो शिशिर कुमार घोष लिख रहे थे, मोतीलाल घोष लिख रहे थे। बंगा दर्शन देखो बंकिम चंद्र चटर्जी देख रहे हो ना, हाँ इंडियन स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, मद्रास से निकलता था। हिंदू बच्चे लोग जो पढ़ते हो अभी, तो वहाँ हिंदू न्यूज़पेपर में खुद लिखा गया, देखो अभी देख सकते हो तुम लोग 1878 लिखा गया, देखो तो देखे हो कभी, गौर किए हो, देखो तो बच्चे लोग देखो अभी क्लास में देखो, सिंस 1878 लिखा होगा ऊपर में, नहीं दिख रहा है, लाओ इधर दिखाते हैं हम तुमको, दिखा वो बच्चे को भी दिखाओ, क्लास में जितना बच्चा है सबको दिखाओ, समझ गए। देखो हिंदू पेपर जी एस अय्यर, ठीक है, सुभा राव पंडित, ये सब ट्रिब्यून देखो लाहौर से दयालाल सिंह, केसरी देखो तिलक जी, सही बात है ना, मराठा देखो ये, और भी बहुत सारा, ये सब फैक्चुअल से स्टूडेंट समझ गए ना। युगांतर देखो याद है, युगांतर संध्या काल, इंडियन सोशलिस्ट देखो
श्याम जी कृष्ण वर्मा, वंदे भारत पेरिस, मैडम बिगाजी कामा, तलवार बर्लिन, फ्री हिंदुस्तान वैंकोवर में निकलता था, तारकनाथ दास थे, गदा देखो सैन फ्रांसिस्को में, गदर पार्टी रिलीज करता था इस चीज़ को, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है सब ऑल आर फैक्चुअल्स। नीचे जाओ, कीर्ति क्रांति महाराष्ट्र से निकलता था, देखो बंदी जीवन पढ़ाएं ये भी बंगाल में, सत्यनाथ सन्याल, नेशनल हेराल्ड, बिल्कुल नेशनल हेराल्ड देखो यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू स्टार्ट किए थे नेशनल हेराल्ड को, ठीक है नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू हैं। कंप्लीट कर दिया मैं, एक छोटा सा है बचा हुआ है, ये समझ जाओगे। दरबार का बात आया था उस समय, याद है दरबार का बात है, ये दरबार है होता क्या है समझो, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत काम आएगा। चार दरबार के बारे में समझो, इसमें तुमको ब्रिटिश का इंटेंट समझ में आ जाएगा। पहला दरबार जो लगा था वो अलाहाबाद में लगा था। दरबार का मतलब क्या है, पूरा होगा, ओकेजन होगा, गाजा बाजा होगा, खुश रहेंगे लोग सब, पार्टी टाइप का, पार्टी टाइप का समझे ना, दरबार लगेगा। अलाहाबाद में पहला दरबार लगा था 1857 में, आप समझ लो बच्चे लोग। और नवंबर 1, 1858 एक ग्रांड दरबार वॉज हेल्ड, बहुत बड़ा दरबार कलकत्ता अलाहाबाद में शुरू किया गया है ना, उद्घाटन किया गया उसका। लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया कि प्रोक्लेमेशन हो रहा है क्वीन का, अब क्वीन क्राउन ब्रिटिश को चलाएगा, इसलिए अलाहाबाद में इतना बड़ा दरबार लगा। क्वीन प्रोक्लेमेशन स्टार्ट हुआ ना याद है 1858 का, उसी को वो कोरोनेशन करने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब कौन है, क्राउन है, क्राउन क्राउन रूल करेगी भारत को। लॉर्ड कैनिंग अनाउंस द प्रोक्लेमेशन डेट द क्वीन हैड द एज्यूम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी क्वीन क्या है भारत को चलाएगी, भारत का जो कंट्रोल क्वीन के नीचे है उसके लिए अलाहाबाद दरबार। दिल्ली दरबार लगा, देखो आप तुमको दिल्ली दिल्ली नजर आएगा, देखो यहाँ देखते जाओ, दिल्ली दरबार लगा January 1, 1877 को। अब देखो बच्चे लोग, जो क्वीन विक्टोरिया है उसको टाइटल दिया गया कि आप क्या केसरे हिंद है, यानी कि आप क्या एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इंडिया की एम्प्रेस बनी हो क्वीन विक्टोरिया, समझते जाओ बच्चे लोग। क्वीन विक्टोरिया इन द प्रिंसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वेयर फ्लॉक, बताओ भारत के जो हो गए ना नेटिव स्टेट्स के प्रिंसेस, सब वो दौड़ के देखने गया ये कि दिल्ली दरबार में क्या चल रहा है, बाहर के लोग अंग्रेज लोग आए हैं ये वो दुनिया भर का, ठीक है। अब बताओ ये लोग निकम्मा लोग अपने राज्य में अपने स्टेट में फेमिल लाइक सिचुएशन था इन लोग का, उस पर ध्यान ना दे के गया है दिल्ली दरबार अटेंड करने के लिए। और उस समय जो नालायक जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड लिटन था, यही ना लिटन के अगेंस्ट छपा था, बिल्कुल यही दिल्ली दरबार है वो, कि प्रिंसली स्टेट बताओ वहाँ पे लोग मर रहे हैं, मैं वहाँ का प्रिंसेस किंग सब कोई मतलब नहीं है अपने प्रजा का, गया है सब देखने के लिए दिल्ली, वाह कौन आया है देखते जरा। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में देखो, हाँ दरबार देखो ये सेलिब्रेट क्यों, क्योंकि अब जो किंग बने अब किंग एडवर्ड 7 है, और क्वीन कौन है अलेक्जेंडर एस एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया, देख रहे हो ना बच्चे लोग, किंग और क्वीन कॉन्सेप्ट शुरू से रहा है ये, किंग कौन बनेंगे एडवर्ड 7 और क्वीन अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंड्रा, तो किंग एडवर्ड 7 और क्वीन अलेक्जेंड्रा कौन बनेंगे, एक एम्परर बनेंगे और एक एम्प्रेस बनेंगे इंडिया का, राजा रानी कह सकते हो इंडिया का, कि अभी सब क्वीन प्रोक्लेमेशन सही चल रहा है ना। तो और उस समय कौन था वॉइस रॉय, लॉर्ड कर्जन था। 1911 का दिल्ली दरबार फिर से लगा, यहाँ पे देखो अब क्या बोल, किंग जॉर्ज 5 आया और क्वीन मैरी है एम्परर और एम्प्रेस, देखो बनाया जैसे वहाँ सत्ता चेंज होता था ना विद्यार्थी, तो जैसे वो बन गया जितना भी उसका कॉलोनी है कॉलोनी उसके अंदर आ गया। जैसे अभी जो क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ ना 1.5 साल पहले, तो उनके जो पुत्र थे वो बने ना चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स थे वो बने ना, ऐसा ही तो जब सत्ता परिवर्तन होता था यानी कि राजा ख़त्म हो गया फिर दूसरा कोई राजा आया रानी आया, तो जितना भी कॉलोनी है उसके अंदर आ गया, वो वही चीज़ उसी का उसी को मनाने के लिए सब किया जाता था। देखो तो दिल्ली दरबार जो लगा उसमें किंग जॉर्ज वही पंचम का बोलते ना, किंग जॉर्ज पंचम वही 5th वाला, और क्वीन मैरी एस एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया ये बोलने के लिए कि क्या है ये गरीब आदमी का पैसा उठा के दरबार में कर रहा है आयोजन कर रहा है, क्योंकि अब तो भोकल हो चुका है ना कांग्रेस, कांग्रेस सब सीन में आ चुका है 1885 के बाद, कांग्रेस जानते हो। किंग डिक्लेयर डेड, हाँ देखो इसमें क्या कर दिया, किंग ने डिक्लेयर कर दिया कि अब भारत का जो कैपिटल कलकत्ता नहीं होगा, क्या होगा दिल्ली होगा। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में उसको हम एनलमेंट करते हैं, यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुआ
अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ उसको हम रद्द करते हैं, आप कोई पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं है। बोलने वाली बात है, वो एक बार हो गया आप क्या बैक करेगा। मैं बोल दिया, ऑफिसर ने बोल दिया कि वो एनलमेंट करते हैं, मतलब जो भी हम किए थे उसके हम विरोध में बात कर रहे हैं, यानी कि फिर ज्वाइन करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। मैं फिर ज्वाइन करने का क्या मतलब बनता, वो तो हो चुका है, बहुत आगे निकल चुका है बात। देखो एनल पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था हो गया है, ठीक है ना। आप बताओ, क्योंकि जब स्थिति इतना ख़राब हो गया ना उसके बाद ब्रिटिश के लिए भी मुश्किल हो गया, क्योंकि रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी सब बहुत बनने लगा कि बंगाल कैसे अलग हो सकता है ये वो। इसलिए ऑफिशियली बोला है कि जो भी एनलमेंट, जो भी हमने पार्टीशन किया था उसको हम वो कर रद्द कर रहे हैं। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उस समय जो वॉइस रहे थे और कोई नहीं, वो लॉर्ड हेडिंगे थे। तो इससे पहले भी वन वाला आ चुका है। आया समझ में, बढ़िया समझ में आया ना, दरबार है ये सब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ दरबार कुछ कुछ इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, समझे ना, कंप्लीटेड।